बीते 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर यूथ इक्विलिटी फाउंडेशन और अन्य संगठनों द्वारा तथा कथित तौर पर देश के संविधान की जलाई गई प्रतिलिपि के विरोध में गोरखपुर लोकतांत्रिक जनता दल के सदस्यों ने शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने स्थित पंत पार्क से एक विरोध जुलूस निकाला। ये जुलूस पंत पार्क से निकलकर छात्र संघ चौराहा, अम्बेडकर चौराहा, शास्त्री चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा, टाउन हॉल होते हुए नगर निगम परिसर पहुंचकर समाप्त हो गया। जुलूस के दौरान दल के लोगों ने नारेबाजी की। विरोध जुलूस के माध्यम से लोकतांत्रिक जनता दल के सदस्यों ने कार्यवाही की मांग किया। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए लोकतांत्रिक जनता दल के जिला अध्यक्ष स्वामी नाथ पाल ने कहा, अरे ये आजादी झूठी है, ये आजादी झूठी है, ये आजादी झूठी है, ये आजादी झूठी है, लोकतांत्रिक जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम स्वामीनाथ पाल है, मैं LJD का जिला अध्यक्ष हूँ। ये बताइएगा किन मांगों को लेकर आज आप लोग जुलूस निकाल रहे हैं? हम दिल्ली में जंतर मंतर पर 9 अगस्त को जिन लोगों ने संविधान को जलाया है, हमारे महापुरुष बाबा साहेब का अपमान किया है, अपमानित शब्दों से न्योछावर किया, अपमानित किया है, उन लोगों के खिलाफ हम आज रोड पे ये निकले हैं अपना काफिला लेके उनके विरोध में। जो संविधान से बढ़ के कोई नहीं है, संविधान से ही पूरा देश चल रहा है, और इस देश में इस देश के लोगों ने कैसे हिम्मत की कि संविधान के प्रति जलाने की, हमारे महापुरुष जो संविधान लिखे हैं, हम लोगों के मसीहा हैं, हम लोगों के विचारक हैं। और है कि 9 अगस्त को जलाया गया था, आज आप जागरूक हुए हैं? बेटा हमारे जो हमारे नेतृत्वकर्ता हमें जब जिस दिन आह्वान करेंगे, आज के दिन 18 तारीख को आह्वान किए कि आप पूरे 500 जिलों में आप लोग विरोध करिए, तो हम लोग निकले हैं सड़क पर विरोध। मैंने FIR दर्ज